मंत्र ग्रहण करते समय कुलाकुल चक्र राशि नक्षत्र चक्र और ऋणी धनी चक्र आ का थाहा चक्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे मंत्र फलदायी होकर साधक इच्छा पूर्ति कर सके। कुलाकुल चक्र में साधक के नाम का प्रथम अक्षर एवं मंत्र का प्रथम अक्षर देखा जाता है। यह दोनों शब्द अगर एक ही तत्व में आते हैं तो सपकुल मंत्र कहा जाता है। ऐसे मंत्र का जाप साधक के लिए लाभकारी होता है। इसी प्रकार साधक का प्रथम अक्षर व मंत्र का प्रथम अक्षर मित्र होना भी वांछित लाभ देता है। परस्पर शत्रु होना साधक को लाभ देने के स्थान पर हानिकारक हो सकता है। ऐसे मंत्र को रिपु मंत्र कहते हैं। साधक के लिए बाल आयु धन एवं सुख संपत्ति का नाशक हो सकता है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, उसी प्रकार मंत्रों का विभाजन भी है। पंच तत्वों के अनुसार कुलाकुल चक्र द्वारा किया गया है। पृथ्वी तत्व का मित्र जल एवं आकाश है। वायु अग्नि शत्रु हैं तथा अग्नि के मित्र हैं वायु एवं आकाश। जल एवं पृथ्वी शत्रु हैं। सपकुल एवं मित्र मंत्रों का जाप साधक को वांछित लाभ देता है। कुलाकुल चक्र निम्न प्रकार के होते हैं। प्रथम अग्नि तत्व ई ई ए खा छा ठा था फा रा छा अग्नि तत्व हैं। द्वितीय पृथ्वी तत्व उ ऊ ओ गा जा डा दा बा ला ठा पृथ्वी तत्व होते हैं। तृतीय वायु तत्व आ आ ए का चा टा ता पा या शा ये वायु तत्व होते हैं। चतुर्थ जल तत्व र र ओ घा झा ढा धा भा बा सा ये जल तत्व होते हैं। पांचवा तत्व आकाश तत्व अंग अड़ा अणा ना मा शा हा और वर्ण का पांचवा अक्षर आकाश तत्व होता है। इसी तरीके से हम अपने नाम और दूसरों के नाम का तत्व जान सकते हैं। उदाहरण के लिए राधे प्रथम अक्षर रा अग्नि तत्व है, इसलिए इन्हें अग्नि तत्व में से मंत्र लेना चाहिए। ऐसे ही हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हरि हा आकाश तत्व है, इसलिए हरि नाम वालों को आकाश तत्व में से मंत्र लेना चाहिए। इसी प्रकार आप अपने नाम और जो मंत्र आपको धारण करना हो उसका तत्व जानकर कर सकते हैं। इसी तरह से शब्दों का तत्व जाना जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।